हेलो वन वेलकम बैक टू सिविल ट्रेनर्स आज हम लोग बात करेंगे कॉलम स्पेसिफिकेशन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू आईएस 456 2000 द कोड इज क्वाइट बिग तो हम लोग लिटरली सारा टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे बट आई हैव ट्राई टू कवर द कॉलम्स फ्रॉम फाइव मेन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू

जो दिया गया है तो आप, आप इसको मेटेरियल बेसिस कर सकते हो एक होता है सिंपल हमारा आर सी सी कॉलम फिर आता है स्टील का कॉलम ठीक है फिर आता है हमारा कॉम्पोजिट कॉलम और uh, हमारे पास वुड कॉलम भी आते हैं बैम्बू कॉलम्स भी आते हैं हमारे पास तो बेज ऑन मटेरियल यू कैन डिफाइन मेनी वेज इवन ऑन शेप रेक्टेंगुलर स्क्वायर सर्कुलर के या डिफाइन कर सकते हो और व्हेन इट कम्स को टू तो कोड कोड में दो टाइप के कॉलम आपको क्लियरली मेंशन किए गए हैं वो होता है लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम अगर मैं इसको दिखा दूं कोड में तो कोड में आप देख सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट uh, वाला लाइन ही आया है अबाउट सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर्स वगैरह ठीक है लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम के बारे में सेम पिज से आपको सारा इन्फॉर्मेश मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे ठीक है फोर्टी वन से तो व्हाट इज लॉन्ग कॉलम एंड व्हाट इज शॉर्ट कॉलम इसको समझने के लिए फिर हमको समझना पड़ता है कि व्हाट इज सिलेंडरनेस रेशियो ठीक है बिकॉज उसके बेसिस पे ही हम लोग डिवाइड करने वाले हैं हमारे कॉलम्स को तो सिलेंडर रेशियो जो होता है इट्स अ जोमेट्रिकल प्रॉपर्टी ठीक है इट इज नॉट मटेरियल प्रॉपर्टी मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होती है जैसा हमारा कॉन्क्रीट का डेंसिटी हो गया पच्चीस ठीक है का डेंसिटी अलग होगा तो इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी लेकिन यहाँ करें हम लोग बात करें, लो करें? ज्योमेटिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो ये क्या होगा शेप के बारे में आएगा ठीक है पहली बात ये है की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी तो इसे मेटल का कुछ लेना देना नहीं है इट्स अबाउट इफ इट्स अ रेक्टेंगुलर तो उसका अलग होगा इफ इट्स अ स्क्वायर तो अलग होगा इफ इट्स अ सर्कल तो अलग होगा ठीक है तो इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देन क्या है यहाँ पे हमको दिया है रेशियो बिकॉज नाम ही रेशियो है तो दोनों चीज को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे लेंथ एंड डायमेंशन कंफ्यूज यहाँ पे मत होना पहला हम लोग जब डिफाइन करते हम लोग क्या किए थे डायमेंशन इन लोग क्या बोलेंगे ठीक है इफ एफेक्टिव लेंथ लेट डायमेंशन अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं फर्दर के जो कॉलम हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं वो लॉन्ग कॉलम है शॉर्ट कॉलम है

ठीक है तो बेस ऑन बिजनेस रेशियो आप कॉलम को दो हिस्सों में बांट सकते हो एक है शॉर्ट कॉलम ठीक है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट डायमेंशन करते हैं हैं हम लोग पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जो कि है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिममेंसमेंट एंड कॉलम ठीक है column, अलग अलग टाइप के कॉलम्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं प्लस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जो कॉलम होता है कॉलम बनता है दो टाइप ऑफ रेन्फोर्समेंट से एक होता है लॉन्गिट्यूड बार्स एक होता है लैटरल टाइज़

ठीक है तो, तो, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो अगर हम लोग देखें तो आई एस आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड क्लॉस ट्वेंटी अगर इसको दिखा दो मैं कोड में तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर फोर्टी एट के पास यहाँ से

ठीक है, थ्री परसेंट ज्यादा ही है टू पॉइंट सेवन तक उसको मिनिमाइज रो, रो, रोकने का ट्राई कीजिए फोर किया बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है स्पेशली है लॉन्डेट रेनफोर्समेंट के बारे में इसका मिनिमम डाया कितना होना चाहिए 12 mm का. तो जब की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी रेनफोर्समेंट दिखाया है यहाँ पे शुड बी मिनिमम का बारह एम mm का लेस देव एम वी आर नॉट सपोज टू यूज इट ठीक है दस एम एम यूज नहीं कर सकते 8 mm उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर कॉलम इज फोर ठीक है रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर कॉलम भी इसमें कवर हो जाता है ठीक तो है तो मिनिमम चार बार्स हमको प्रोवाइड करनी ही पड़ती है मिनिमम कैटेगरी है मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उतना डालो उसके अंदर लेकिन मिनिमम चार होने ही चाहिए ठीक है नेक्स्ट सर्कुलर कॉलम सर्कुलर कॉलम्स के लिए मिनिमम छे होने ही चाहिए ठीक है मैक्सिमम जितना लग रहा है तो प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन मिनिमम छह प्रोवाइड करना ही करना है जो कम आपके चार में बन जा रहा है वो आपको यहाँ पे छह प्रोवाइड करने पड़ेंगे so, अनएकनोमिकल हो जाता है अनलेस एंडल एस्थेटिकली आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पीपल डोट गो फॉर सकम्स ठीक है ठीक है तो इसको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे तो ये जो है हमारे पास स्क्वायर में रेक्टेंगुलर में मिनिमम चार चार होने चाहिए यहाँ पे मिनिमम छह होने चाहिए

आई होप सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार पूरा कोड पढ़ लेना कोड में सब कुछ इन ब्रीफ पूरा मेंशन है यहाँ पे हल्का के बारे में भी दिया गया है ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लैटरल टाइज के बारे में ठीक है जो अंदर के जो टाइस सारे, सारे कॉलम्स को बांध के रखा है सॉरी सारे रीबार्स को रीबार्स को बांध के रखा है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे तो डया ऑफ यहाँ पे हम लोग बात करें टाइज यहाँ पे कितना लिमिट था हमारे पास यहाँ पर लिमिट था ट्वेल्व mm का लिमिट था इसके नीचे हम लोग मेन रोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते so हैं जो की है मैक्सिम प्रोवाइड कर रहे हो उसका वन फोर्थ कैन प्रोवाइड ठीक है यहाँ पे वन फोर्थ आप प्रोवाइड कर सकते हो तो क्या एग्जांपल अगर ये बीस एम एम का रॉड है तो मेरा कितना आएगा पांच एम मिनिमम 6 एम mm का सकता हूँ

मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में बताऊं तो ये जो बार्स हैं आपके ठीक है यहाँ पे और बार, बार है तो इन दोनों बार्स के इन दोनों टाइल्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ठीक है ये ऊपर वाला टाइप और बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट में ठीक है तो मेरे पास तीन कंडीशन है code, code में स्पेस में आपको मिल जाएंगे तीनों डायमेंशन ऑफ द कम्प्रेशन मेंबर ठीक है ठीक है यहाँ पे वापस तो यहां पे आप देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मैक्सिमम ऑफ द लेना था हम लोग को ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं मिनिमम ले रहे हैं ठीक है मिनिमम स्पेसिंग जितनी होनी चाहिए उतनी तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं ज्यूम कर रहा हूं यहाँ रेक्टेंगुलर कॉलम है फोर हंड्रेड क्रॉस टू हंड्रेड का है द स्मॉलर द स्मालया फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 20 भी है 25 भी है 16 भी है तो आई एम यूजिंग 16 बार आल्सो इन द मिडिल समवेयर तो मैं 16 एमएम mm को कंसीडर करूंगा यहाँ पे ठीक है फर्स्ट इज व्हाट द लीस्ट लैटरल डायमेंशन आप कोड में देख लो इसको एक बार क्या है द लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर यहाँ पे क्या है 200 एमएम इज माय लीस्टर डायमेंशन तो आई हैव मेंशनड इट ओवर हियर सेकंड क्या है 16 टाइम्स द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द लोंगिट्यूडनल बार मैंने क्या क्या अज्यूम किया स्मॉलर डायमीटर जो होगा हमारा लोंगिट्यूडनल तो बार का 16 एमएम mm होगा तो so, 16 क्रॉस 16 256 एमएम mm आ रहा है एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज

इतना ही प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द बार टाइंग स्पेस ओवर एंड ओवर अगेन तो सारे कॉलम्स के लिए हम लोग एक ही टाइप का स्पेसिंग मेंटेन करते हैं जनरली टू हंड्रेड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है कंडीशन चलाऊंगे तो वहां पे हम लोग लैटरल टाइप का स्पेसिंग भी चेंज करेंगे ओके okay? तो आगे बढ़ते हैं

ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है ऑर्डनरी कंक्रीट स्टैंडर्ड कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अलग अलग स्पेसिफिकेशन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस बेस पे आप अपना कोई भी कंक्रीट यूज कर सकते हो यहाँ से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इट इज मिनिमम वैल्यू ठीक है ये हो गया पेज सिक्स का टेबल नंबर टू आप आके इसको एक बार पूरा पढ़ो आप ये नोट्स भी पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है पेज नंबर ट्वेंटी टेबल नंबर फाइव तो पेज नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं हम लोग यहाँ से पेज नंबर ट्वेंटी एंड यू कैन सी हियर ये बेस ऑन एक्सपोजर कंडीशन है कि आपके माइल्ड एक्सपोजर है मॉडरेट एक्सपोजर है एक्सपोजर है जैसे राजस्थान का एरिया होगा वहां हैवी टेम्परेचर फ्लैक्शन होते हैं ठीक है दिल्ली का हो गया वहाँ पे गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ती है और ठंडी बहुत जबरदस्ती पड़ती है ठीक है तो सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे आपका चेन्नई का एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट uh, है हवा यू नो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पे तो बेस ऑन दीज कंडीशन ऑल्सो आपके कॉन्क्रीट के लिए सॉरी आपके प्लेन कॉन्क्रीट के लिए एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए अलग अलग सारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं

ठीक है अगर आप चाहते हो तो फोर्टी एम एम है ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आपके कॉलम uh, को बट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा पे लेकिन आप 40 की जगह 30 प्रोवाइड नहीं कर सकते ठीक है टॉलरेंस इन टॉलरेंसिव जीरो पे देख लो टॉलरेंस नेगेटिव क्या दिया है जीरो दिया है यहाँ पे राइट तो यू के नॉट प्रोवाइड लेस देन हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड आपको जितना है उतना प्रोवाइड करना ही है ओके okay?

और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीटली बस आपका ऐप आप डाउनलोड करना है स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा आराम से ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास इफ एनी डाउट लेट मी नो थैंक यू